एवरीवन, वेलकम बैक टू मी यूट्यूब चैनल टाइनी फिट। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल टाइनी फिट्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के टाइम में जो डॉक्टर आपको आयरन की गोलियां किन महिलाओं को प्रेस्क्राइब करते हैं और इसको खाने का सही तरीका क्या है और कुछ गलतियां जो अक्सर महिलाएं कर जाती हैं जिसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ना ही तो आपकी बॉडी में आयरन की पूर्ति हो पाती है और ना ही खून की कमी पूरी हो पाती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे को भी वो झेलना पड़ता है। तो अगर आप में कमी रहेगी तो वो कमी आपके बच्चे में भी ट्रांसफर होगी। तो क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए खासकर आयरन की गोलियां खाते समय, क्योंकि इन गलतियों की वजह से कुछ दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको वीडियो जरूर लास्ट तक देखना चाहिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए और ना ही आपकी बॉडी में खून की कमी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके डॉक्टर आपको चौथे महीने से आयरन की गोलियां खाने की सलाह देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है, जिसको पूरा करने के लिए आपको सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है और साथ ही साथ आपको अपने खाने की डाइट में भी कुछ ऐसी चीजें शामिल करनी पड़ती है जो आपकी खून की कमी को और आयरन की कमी को पूरा कर सके। तो क्या होता है कि फ्रेंड, चौथे महीने से डॉक्टर आपको जरूर सलाह देते हैं और आपको ये आयरन की गोलियां खानी भी चाहिए, क्योंकि आयरन की गोलियां खाने की वजह से आपकी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन कम है और जो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए एक महिला के शरीर में वो 11 जरूर होना चाहिए, 11 से अगर नीचे है तो आपको जरूर अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ सके। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तभी आपकी बॉडी में खून की पूर्ति भी हो पाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ही आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं जिससे आपकी बॉडी में नया खून जल्दी से बनता है। तो अगर आपकी बॉडी में खून की कमी रहेगी तो आपका बच्चा भी कमजोर पैदा होगा और उसमें भी खून की कमी, और बहुत सारे जन्मजात बच्चों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि खून की कमी होती है तो बहुत सारी बीमारियां साथ लेके आते हैं। इसी के टाइम पर आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है या खून की कमी है और आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो नजरअंदाज वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, इसकी भुगतान आपको और आपके होने वाले बच्चे को ही भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आयरन की गोलियां कैसे खानी है। तो क्या होता है कि आयरन की गोलियां चौथे महीने से ही सलाह देते हैं आपके डॉक्टर, आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको ये पूरे अगले आप 9 महीने तक खानी है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी में तेजी से आयरन और ब्लड और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी डाइट भी शामिल करनी है, मैं आगे बताऊंगी आपको, वीडियो में बने रहिएगा। तो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि आयरन की गोलियां खाते टाइम आपको किन गलतियों को नहीं करना है। देखिए, एक तो आयरन की गोली को खाली पेट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नंबर टू, आपको खाने के जस्ट बाद एकदम नहीं खाना चाहिए। तो जो आपको आयरन की गोलियां हैं वो आया तो आप खाने के 1 घंटा पहले खाइए या 1 घंटे आप बाद में खाइए, खाली पेट आपको बिल्कुल नहीं खाना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आयरन खाली खाने से खून नहीं बढ़ता है, आपको अपनी बॉडी में विटामिन सी का इंटेक भी अच्छा रखना है, जिसकी वजह से जो आयरन है जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और वो आपकी बॉडी में लगेगा, यानी कि आपकी वो अच्छे से वर्क करेगा। तो उसके लिए विटामिन सी का इंटेक आप बहुत ही अच्छा रखें। विटामिन सी को लेने के लिए आपकी डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल करें जिससे आपको विटामिन सी मिले। जैसे आप पालक खाइए, पालक में आयरन भी है विटामिन सी भी है, एप्पल भी खा सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं, आप गाजर भी खा सकते हैं, आप एप्पल भी खा सकते हैं और खजूर भी खा सकते हैं। खजूर और किशमिश में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है और ये आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। आप बॉडी अच्छे से सारी चीजों को एब्जॉर्ब करेगी और जो आयरन की गोलियां आप ले रहे हैं वो अच्छे से आपकी बॉडी में जाके वर्क करेगी और आयरन को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो खून की कमी है उसको पूरा करेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। बहुत बार क्या होता है, महिलाओं को ये शिकायत होती है कि आयरन की गोलियां खाने की वजह से महिला को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए आप अपनी खाने में फाइबर वाली चीजें भी ऐड करें और अपने आप को हाइड्रेट भी रखें। हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि जो भी जितना भी आप खाना खाते हैं वो अच्छे से पचता है और बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाती है। तो पानी की कमी को पूरा रखें और फाइबर वाला खाना खाएं, जैसे दलिया खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, जूस ना लेकर आप फ्रूट्स खाएं, क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर भी मिलेगा आपको और जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो भी मिलेगा। और साथ ही साथ आप ऐसा खाना खाएं कि बहुत ज्यादा गरी मैदा वाला खाना ना हो, मतलब नॉर्मल खाना हो और सुपाच्य खाना हो जो जल्दी से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में आपका जो डाइजेशन होता है ना वो भी बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अक्सर महिलाओं को होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, विटामिन सी का इंटेक अच्छा रखें, पानी खूब भरपूर पिएं और साथ ही साथ आप फाइबर वाला खाना खाएं तो ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा और जो आयरन की गोली ले रहे हैं वो भी अच्छे से आपकी बॉडी में वर्क करेगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे
तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कमी नहीं होगी, ब्लड की कमी नहीं होगी, ना ही आयरन की कमी रहेगी और बहुत ही हेल्दी बच्चा इस दुनिया में आएगा। तो वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।